पहले सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, आज 14/4/2022 है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक सत्संग आपको अभी दे दिया और दूसरा देने जा रहा हूँ, ताकि आप आत्मा के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मैं आत्मा के विषय में ही बोल रहा हूँ, आत्मा कैसी है, क्यों है, कहाँ से आई है, किस में आई है, तो इसी की जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आगे चलते हैं। मैंने अभी पहला सत्संग खत्म हुआ, वो खत्म तो किसी ने रिंग कर दिया तो अपने आप ही खत्म हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, हर एक को जरूरत होती है। तो मैं कह रहा था सतगुरु मानस कर मानते चरणामत को पढ़ तो नर नर के जाएंगे, काल समनाता है। नरक स्वर्ग भी मैं मानता कुछ नहीं, क्योंकि ये भी एक किस्म का धोखा है। तुम ना जागे तो जहां भी जाओगे फिर जन्म लोगे, पहला भूल जाओ। जब तुमने मनुष्य दे दिया तो तुम्हें अपना कोई जन्म याद रहा, कुछ नहीं याद रहा, तो फिर जहां भी हो क्या फर्क पड़ता, कैसी सजाएं मिले, सदा सही होने दो। लेकिन एक ही बात निरंकार भगवान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, वो बार बार तुमको विचार देते हैं। मैंने बोला हुआ है आपको कि एक मिनट में 42 थॉट्स तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते हैं, और थॉट्स भी वही होती है जिस तरफ तुम चल रहे, जिस तरफ तुम्हारी गति है उसी तरफ वो भाव देता है। वो तो अपने से कुछ नहीं था, तुम्हारी सहायता करता है, तुम नहीं बदलते। हाँ, वो तुम्हें अपने पास रखना चाहते, तुम्हें और उसको आदेश है, वो क्या करे, जैसी उसके पास चीज है वही देगा। जो पेड़ आम का है वो संतरा तो तुम्हें नहीं दे, वो तुम्हें एप्पल नहीं दे, वो नाशपाती नहीं दे, वो पोमीग्रेनेट नहीं दे, वो तुम्हें क्या दे। आम का आम देगा, चेरी वाला चेरी देगा, तुम्हें जो पसंद है वो बाजार से तुम ले लेते हो, मार्केट में आ जाती है चीज। इसी तरह से मन भाव देता है, तुम भाव ना पकड़ो, तुम अपने अंदर अपने उस सच्चे शब्द को, तुम लोगों ने, मैं देखा लोग बड़े बड़े बूढ़े भी हो चुके लोग, उन्होंने जिन गुरुओं को पकड़ा है, पहले तो तुम बड़ी मुश्किल से काल भगवान से छूटते हो, फिर तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हो जिनके पास खुद कुछ नहीं, वही शब्द जो वेदों में लिखे, पुराणों में लिखे, किताबों में लिखे, स्वांग सत ज्योति निरंजन ओंकार, उसी के साथ ओम को, ओंकार को और रंकार, पांच शब्द बच्चा भी पढ़ ले तो उससे वो आपको दे दे, फिर क्या फर्क पड़ता, तो आपको गुरुआ दे दे तो उससे क्या हो गया। उन्होंने अपना जीवन तो कोई नहीं बदला, उनको पैसा चाहिए वो आप दे रहे हो, तुम्हारे घर में बच्चे के लिए रोटी नहीं पर तुम वहां चढ़ा रहे और वो ले रहे, किसी को इनकार नहीं कर, वो तो पैसों के लिए ही सत्संग कर रहे हैं और किस लिए कर। और तुम इतने खास कर लेडीज, वो लड़ ही पड़ेंगे किसी से, कोई
कोई बात वो सुनना गुवारा नहीं करते। जेंट्स जो है वो तो बेसिकली ना किसी गुरुआ को ना किसी सतगुरु को किसी को भी पसंद नहीं करते, लेकिन लेडीज जहां अटक जाती है वहां भटक जाती है, बस फिर उन्हें कुछ नहीं और चाहिए। वही है काल का दायरा, वही है नरक में जाना, वही है स्वर्ग में जाना। पांडवों की क्या दशा हुई? एक युधिष्ठर स्वर्ग में पहुंचा, बाकी तो हमालय में, क्योंकि वो बेचारा सत्य बोलता था तो सत्य का ठिकाना स्वर्ग में तो मिलना था उसको। लेकिन स्वर्ग में भी अपना काम पूरा होने के बाद फिर धरती में आओ, इसलिए बोला एक ना बोला दो ना बोले, बोला फिरया कुल संसार, किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा एक नाथ ने जो कुछ पाया ये होता है कि गुरु की दरबार में भी जो भगत होते हैं कुछ पा जाते, और वो सारे का सारा कुंडेल दिया लाल नाथ के हाथ। इसी तरह एक जो संत होता है उसके हाथ की तली में इतनी ऊर्जा होती है जिसका कोई हाथ, जिसके सर पर रखता है उसको टॉप से बॉटम तक चेतन कर देता, कोई अंदर किसी किस्म का दखल, कोई जरा सिमरन में जाओ सब बीमारी दूर हो जाए। इसलिए एक दो को समझाने के लिए मुझे इतना दूर जाना गया, लेकिन अभी को मैंने पूरी बात नहीं किया। सतगुरु मानस कर मानते चरणामृत को पान, जो मैं चरणामृत इस फिंगर से बनाता हूं नाखन तक की जगह से, इस चरणामृत की सारी ऊर्जा सतपुरुष से आती और मैं उस जल में उंडेल देता, इसलिए जो उसको श्रद्धा से दूसरे पानी में डाल के पी ले सब कुछ पाए। इसलिए सतगुरु मानस कर मानते चरणामृत को पान, सो नर नर के जाएगा जन्म जन्म हो स्वान। कुत्ते की योनि में कबीर साहब ने कहा जाए, मैं नहीं कहता कि तुम कुत्ते की योनि में, तुम जिस भी योनि में जाओगे पार नहीं हो जाओ, कुत्ते की जाओ मनुष्य की आओ, जागे ही नहीं तो मनुष्य बने तो और ज्यादा खतरनाक, क्योंकि मनुष्य की योनि तुम्हें एक कयामत में सात जन्म मिलते, तीन चाहे पृष्ठ हो तो चार जो है सित्री, दूसरी कयामत में उल्टा हो जाता है, चार पुरुष और तीन सित्री। इस तरह से यहां देखो एक नाथ और लाल नाथ और उस पत्नी दोनों जो थे क्या हुए, पूर्ण सन्यासी हो संगस्थ हो गए पूरी तरह से, और अपना जीवन वैसे देख किया गुरु और शिष्य का, गृहस्थी भी नहीं बसाई और गुरु और शिष्य हो गए। ये होता है पाना लेन और देन। संसार का पान लेन और देन क्या हुआ, आइए अब मैं आत्मा पर आता हूं। मैंने आपको कहा हाइड्रोजन जो है उसका न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि 10^-15 सेंटीमीटर, और जो एटम होता है 10^-10, इससे कोई छोटा एलिमेंट आज तक खोज नहीं। तो इतना तो हम मान सकते हैं कि आत्मा का साइज इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट एक है तो उसका साइज 10^-15 सेंटीमीटर, और एटम एज ए होल जो है उसका साइज 10^-10 सेंटीमीटर। इसलिए 10^-10 सेंटीमीटर को मतलब है कि एक सुई की नोक का 1000वां हिस्सा, एक सुई की नोक का 1/10^-3 हजारवां हिस्सा, इतना उस 10^-10 से भी और छोटा।
तीन ऊपर ले जाओगे तो ये 10^-13 हो जाएगा अगर पूरा एज एन एटम लेते हो तो। इसलिए इतना छोटा है, पर सवाल उठा अगर इतना छोटा है तो हाथी में फिर इतनी छोटी आत्मा होगी, चींटी में बिल्कुल छोटी है, तो फिर हम कहते हैं कि सारी बॉडी में आत्मा 7 सुरतियों में बटी होती, सारी बॉडी चेतन होती। इतने बड़े हाथी में एक छोटी सी चींटी और उससे भी ज्यादा छोटे कीटाणु, तो बात क्या है? बात साइज का नहीं, भाई बात है एनर्जी की। साइंटिस्ट इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी मानते हैं और आत्मा वाले जो है आत्मा की एनर्जी को मानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी जो है वो वेस्ट मैटर से बनती है, चाहे पानी से हो चाहे किसी चीज से हो, बन रही विजाति से। विजाति से जो आती है वो एनर्जी बाहर है और जो आत्मा से आती है वो तुम्हारे अंदर सारी बॉडी। तुम जिस जगह जितनी जगह पर बैठे हो एक दिया जलाओ, जितनी जगह पर दिया है उतनी जगह रोशनी फैले, फैलाओ रोशनी का ज्यादा। आप छोटी जगह पर दिए को हाथों से कवर कर दो, रोशनी उस जगह तक फैलेगी। हाथों को बढ़ा दो, रोशनी और फैल जाएगी। और जगह दो और फैले, चीज कम दिखाई देगी, डिम दिखाई देगी, पर रोशनी तो फैलेगी। जितना बड़ा शरीर होगा उतनी ज्योति ज्यादा फैलेगी। बात ज्योति की, इतनी ज्योति तेवर है आत्मा की। बाबा तभी कहा तुम विजातियों को हटा दो तो एक मिनट में सत्पुरुष जो चौथा लोग अरबों खरबों जिसकी गिनती भी नहीं, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर लिंक जुड़ जाता है ज्योति का महाज्योति से। मेरा जुड़ा तभी तो निज घर गया ना, कैसे जाना? जो सूरत कमल है ये सूरत कमल महासुन से पार है, सवा हाथ ऊपर बोला ये सुन से पार बनता है। निज दाम और महासुन के बीच का जो बफर जोन है वो जो है सूरत कमल है, सतगुरु लोक, सतगुरु का लोक। खाली वो भी नहीं, वो सतगुरु का लोक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, संतों को समझ लेना आसान। तो आत्मा अंगूठे के बराबर कहो, मनुष्य के बराबर कहो, हाथी के बराबर कहो, माउंट एवरेस्ट के बराबर कहो, अमालिया की तरह बड़ा कहो, वो ज्योति जितनी जगह में रखोगे उतना फैलाओ। लेकिन जब ये सुरति महासुरति से जुड़ जाती है तो वो तो सारे का सारा एंडलेस सागर है, तुम एंडलेस से जुड़ गए ज्योत से। जब ये शब्द पाते हो तो तुम एंडलेस ज्योत से जुड़ जाते। फिर वो चश्मा ने चश्मा नहीं रहता, वो सागर कहलाता है। जैसे गंगा गंगा नहीं रहती, गंगा सागर हो जाती। गोमुख से जाते हो आगे गंगा सागर में, गंगा जा समाती और फिर तारा एक हो गया, स्रोत और सागर का संबंध बिल्कुल जुड़ गया, जुड़ गया ज्योत से जुड़ गया। गोमुख से गंगा सागर एक हो गया, तुम्हारी सारी विजाति बीच में टूट गई, पर तुम्हें उस ज्योत से जुड़ना ही नहीं चाहते। तुमने जो कुछ पकड़ा उसे नहीं छोड़ रहा। तभी कहा धर्म तुमने पकड़ लिए, जातें तुमने पकड़ ली, मद मतांतर तुमने पकड़ ली, जागोगे कैसे? तुम तो मद मतांतरों में फंस के रह गए, जागना कैसे? कौन जगाएगा आपको? जागना ही
तो सब काम है। और ये दांत जो सतपुरुष की एक गदा बाई लाया, किसी से जाओगे और किससे जाओ? तो तुम्हें मैं बता रहा था कि जो हाइड्रोजन एटम है इसके भी तीन है एलिमेंट, तीन आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। पहले का एटॉमिक मास वन, दूसरे का टू और तीसरे का थ्री। वन टू थ्री और तीनों में क्या चीज है? जलने की ताकत। हाइड्रोजन जरा जहां कहीं हो, मुझे याद आता है एक बार एक्सपेरिमेंट्स में अपने और कुलीग्स भी थे, उसको एग्जीबिशन में ले जाना था तो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। वो हाइड्रोजन बनी तो पता नहीं कैसे, जहां से बन रही थी वहां का कनेक्शन उस फ्लास्क से जुड़ गया और ब्लास्ट हो गया। आपकी लपट भी नहीं हुई लेकिन वो ब्लास्ट हो गया, हाइड्रोजन ने पकड़ ली वो इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को बिजली की नहीं थी, वो मटेरियल की थी। जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, उसमें वाटर था, तो उससे हाइड्रोजन बन रही थी। चार फ्लास्कों में डिफरेंट साइज था, डिफरेंट साइज, जो सबसे छोटा साइज था वो फट गया, सारा एक्सपेरिमेंट कोलैप्स हो गया, जल गई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, एक जलती है दूसरी जलने में मदद करती है। तो जलने में मदद करे तो वो भी क्या है, जैसे आप मैचस्टिक लेते हो जलाते हो, आपने फास्फोरस को फास्फोरस के साथ रगड़ करी वो जल गई, और बैर जो है ऑक्सीजन उसको जलाने में मदद कर रही है, वो जलती रही जब तक उसकी लकड़ी साथ है पीस वो जले, या किसी और चीज को जला लो उससे वो जले। तो सारा संसार विजाति की इलेक्ट्रिसिटी है, और तुम्हारा अंदर जो है वो रियल ज्योत है, वो भी क्या ज्योत है, वो भी विजाति को जला देती है। तुम अपने सोर्स से मिल जाओ, ये सारा संसार आप कहना पानी, पानी 200 चीजों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये मिलके पानी बना है। तो कोई दो चीजें, एक जलती है दूसरी जलाने में मदद करती, तो पानी कहां से रहेगी? धरती में देख लो वाल्कोनिक ही वाल्कोनिक, ये सारी चीजें जली, अंदर आग ही आग थी, जिससे आई आग थी, आग ने आगे माटी पानी अग्नि और ये सब कुछ बन। ये धरती से सब उठी और वहीं से बनी, फिर उसी में जाकर फिर सबने मिट जा। ये धरती जो ही इसकी आग खत्म होगी ये पानी में समा जाएगी, समा रही है, समा क्या जाएगी? दरख्त तुमने काट दिए, इरोजन ही इरोजन हो रहा है, धरती कहां जाएगी? धरती को संभालते दरख्त। और दूसरी चीज देखो, मैंने तभी कहा साइंस बड़ी मदद करती है भक्ति। दूसरी चीज देखो कि पौधे धरती का कुछ नहीं लेते, याद रखो। जब हम चिल्ड्रन होम में पढ़ते थे वहां का माली बड़ा बहुत सियाना माली था उस पूरी यूनिट को, वो कई सालों से वहां था, वो कहता था मैं अंग्रेजों के साथ भी यहां रहा हूं, बिल्डिंगों में वो रहे आकर, मैं उनके साथ भी यहां रहा हूं, वो माली बड़ा। उससे एक बार एक हमारे स्टूडेंट ने सवाल किया, माली जी ये जो पौधा है ये क्या खाता है? उसने कहा ये सब कुछ खुद बनाता है, कुछ नहीं खाता बल्कि बनाता है। तो हमने पहली बार उससे सुना, अभी तक तो पढ़ा नहीं था अभी, क्योंकि छोटी क्लासों में थे। उसने कहा कि ये रात को भी बनाता है और दिन को भी बनाता है, ये ना रात को सोता है ना दिन को सोता है।
आज भाई उसकी कहा माटी को ये संभाल के रखता है, माटी इसको कुछ नहीं, वो माटी से कुछ नहीं लेता, माटी से क्या करता है, माटी से एनर्जी जो है एनर्जी लेता है। जितनी माटी में आपने खाद वगैरह डाली है वो एनर्जी जो है एज ए वाटर लेता है, बाकी उसकी पत्तों में अपनी फैक्ट्री। तीन चीजें उसे चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज सारा कुछ बन जाए, उसी से तुम्हारे फल फूल लगते हैं। तो दरख्त माटी को वैसे का वैसा रहने देता है, जो तुम खाद वगैरह डालो उससे एनर्जी ले लेता है, बाकी पत्तों से सब कुछ और बाहर की एटमॉस्फेयर से लेता है तीन चीजें, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन। तो सारा कुछ जितना संसार में बना है, जो 112 एलिमेंट अभी और खोजे हो जाए, पर सब हमारी बॉडी में, ये पांच तत्व नहीं रहे, ये पांच तत्व आज से 5000 साल पहले की थ्योरी थी। तुम 112 तत्व के बने हो, लेकिन वो सारे के सारे एनर्जी देने के योग्य। तुम खाना खाते हो, उनको एनर्जी उनसे मिली और उसी से एनर्जी से तुम सारा काम करते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बड़ी चीजें होती हैं संसार को देने के लिए संतों के पास। जो भी संत आता है वो भरपूर होता है, उसको कहीं भागना नहीं पड़ता, उसे पहले ही नेचर ने सब कुछ दिया होता है। जैसे इस धरती बनी तो सब कुछ था, तुमने आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म कर दिया। तेल देखो खत्म के दाहिने पर है, कोयला देखो खत्म के दाहिने पर, फिर पानी बचेगा, फिर पानी तूफान लाएगा और क्या करेगा। अभी तो माटी संभाले है, दरख्त तुमने रहने दिए तो ये सारी माटी समुंदर में चली जाएगी, समुंदर में चली जाएगी तो हाइट खत्म हो जाएगी, पहाड़ जो है जितने आपने पल पल में जाएंगे पिघले बदल जी। एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा, फिर माटी पानी में मिल जाएगी। लेकिन बेसिकली ये सारी की सारी क्या है, एनर्जी। ये सारी की सारा एनर्जी है, एनर्जी इसको खा जाएगी और सुन में समा जाएगी, एनर्जी है सारी। सुन ही हो जाना, सारी एनर्जी सुन में समा जाएगी, फिर वहीं से फिर बनेगी। मेरा आपको ये कहना था कि जागो, जागने की बेला है, जागो मेरे प्यार। सतगुरु को अजमाओ मत, वो अजमाया हुआ आता। देखो एक आना में आपका नहीं लेता, एक गिलास पानी का मैं आपसे लेके नहीं पीता, अपने अपने हाथों से पीता, कोई काम मैं किसी से नहीं लेता, सब काम खुद करता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आपको मुझे समझाने का ये है कि दरख्त भी कितने प्यारे हैं, वो भी किसी का कुछ नहीं लेते, देते ही देते कितना फल फ्रूट कितना देते हो। अगर यही ना हो तो हमारा तो खाना पूरा ही नहीं होगा। ये मार्केट में काली में देख रहा था कि नींबू 200-250 रुपया किलो चला, फसल कम हुई, रेट बढ़ गए और गर्मी बढ़ रही। इसलिए जैसी जैसी जरूरत होती है, इस समय तुम्हारी आत्मा की जरूरत है बहुत बड़ी। तुमने धर्मों को पकड़ लिया तो धर्मों से आत्मा थोड़ा जागेगी, आत्मा तो जागेगी वैनाम शब्द से, जिससे तुम्हारी आत्मा आई है और जिसका शब्द इसको चेतन करेगा। बिना वैनाम शब्द जिसे सार शब्द एंड सुरत शब्द दो शब्द में लाया आपके, तुम नहीं पाना चाहते कोई तुम्हारा धर्म थोड़ा मैं बदल रहा। तुम मोहनलाल हो तो मोहनलाल ही, तुम अकबर हो तो अकबर ही, तुम मोहन सिंह हो तो मोहन सिंह ही, तुम वाटसन हो तो वाटसन ही रहो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बदल रहा। बदल एक चीज रहा, तुम्हारे को आत्मा की खुराक दे।
तुम्हारी आत्मा को चेतन कर रहा हूं ताकि वो मन के भावों से पार हो जाए। मन के मते न चालिए, मन के मते नहीं। मन पे जो असवार है वो साधु मन पे असवार करने के लिए आए। तुम मन तुम पे असवार है, उल्टा काम करो। वो मां बाप बाप बेटे की कहानी पता है, लोग किसी को भी ठीक नहीं कहते, उनके पास हर चीज का उत्तर। जो तुम करो, बाप बैठा है घोड़े पर तो लोगों ने कहा देखो जी क्या बेटे को चला रहा है और खुद मजे में घोड़े पर बैठा है। जब बाप उतरा तो बेटे को घोड़े पर बैठाया तो बुजुर्ग मिल गए आगे। बुजुर्गों ने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बेटा है, बाप बूढ़ा हो गया तो उसको चला रहा है और खुद घोड़े पर बैठे। बेटे को कहा बाप ने आगे चल के उतर। दोनों बैठ के इकट्ठे दोनों बैठे तो फिर आगे कुछ मिल गए यमलोक। उन्होंने कहा क्या बुद्धू है, क्या पागल है, देखते नहीं घोड़ा बेचारा एक और ये दो लफ्टंडे इसके ऊपर बैठे, वो उसको मारना चाहते, दो को उठाए वो चलो। आगे चल के दोनों उतरे। दोनों ने बाप ने कहा बेटे को अब हम घोड़े को उठाते हैं अपने कंधों पर, इसको ले चलते। घोड़े को उठा के चले तो आगे फिर लोग मिल गए कोई धार्मिक। धार्मिक ये ना सारे ये जो बातें करे ये सब धार्मिक। धार्मिक मिले तो उन्होंने कहा वो कैसे बंदे हो तुम, घोड़ा है इसके लिए कि इसके ऊपर सवारी की जाए, घोड़ा इसलिए थोड़ा बना है कि तुम इसको उठाते फिरो, ये दुखी होता है, इसको रखो और आप सवारी करो। तब बाप ने एक जगह बेटे को बिठाया, घोड़े को बांधा, एक तरह के साथ देखा इस संसार की बातें सुनोगे बेटा तो तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तुम बस अपने अंदर की आत्मा की बात सुनना। तो अंदर की आत्मा की बात कब सुनो, एक नहीं मिलता गुरुआ, जो जागना चाहता हो, जो जहां रुका है वहीं अटका, वही कुछ बोल रहा है, वही कुछ कोई गायत्री मंत्र बोल रहा है, कोई गायत्री को गा रहा है, कोई गीता को बोल रहा है, कोई रामायण को बोल, कोई तुलसीदास जी को बोल रहा है, वही रुका। कोई भी इस संसार में जिस हालत में ये संसार में इसको जो मर्जी बोलो। कल टीवी में खबर रात को मैं कभी सुनता हूं तो वहां सुन के हैरान हो गया, क्या खबर बता, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रिश्वत का दौर दौरा कितना फैल चुका है। यही दर्द कौन भक्ति की तरफ चले, जब इतना पैसा बैठे बैठे आ जाता है आपको, लाखों और अरबों रुपए बैठे बैठे, तो आप काम क्यों करो। आप कोई ऑफिसरी क्यों करो। इसलिए प्यारी सत्संग, बड़ा भयानक संसार, बड़ी भयानक दशा पे चल रहा। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि आत्मा का साई सुई की नोक का भी 1/1000 हिस्सा मान लो तो चल जाए, और आत्मा उतना ही फैलाव कर देती है जितना तुम चाहो, जितनी तुम उसे जगा दो, अंदर से जोड़। तुम यहां से निजदाम जोड़ो मेरी तरह, तुम्हारा फैलाव इनफाइनाइट हो जाए। यह साधारण आत्मा नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन कोई सुनने वाला तो थोड़ा ही मिलता है। आत्मा आद और अंत नहीं इसका, वही कहना गंगोत्री, जब गंगा सागर से मिलती है तो गोमुख और उसका सरबंध जुड़ जाता,
वो गंगा से महासागर से जुड़ गई। इसी तरह से ये शब्द जब आता है तो आप सतपुरुष से पूरा जुड़ जाते हैं, मेरे से बातें करते हैं और फिर एक ही बात बताओ एक हो जाती है, द्वैत कहीं नहीं है, तुम और सतपुरुष भिन्न नहीं, सिर्फ तुम्हें एक आवरण तुम पे उड़ा गया है, जैसे घोड़े पे दो चढ़े धरती से कंटेक्ट उनका टूट गया घोड़े का जुड़ा, बस इतनी सी बात, वो भी धरती पर आ गए तो कंटेक्ट धरती से जुड़ गए, लेकिन इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ है, घोड़ा जो है उसके पांव धरती पर है तो तुम्हें उठाया हुआ ऊपर उसके बैठे, उसने उठाया तुम्हारा जुड़ा डायरेक्ट नहीं घोड़े के द्वारा, इसलिए तुम्हारे नीचे ऊपर कौन है, अंडे का खोल, अंडे के खोल में तुम फंसे हो, अंडे का खोल मन, अंडे के खोल से बच्चे को बाहर निकाल फिर वो अपना अपने आप को संभाल ले, अनिल पंछी की तरह संभाल ले तुम, बस मन के अवर्ण को, मन और माया का अवर्ण जाए, तुम इसी को समेटते हुए बच्चों को आगे दे, इसी दुनिया में सारा आज सारा संसार फैला यही कर रहा है और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर, और कोई भावना ही नहीं किसी की कुछ और करने की। इसलिए प्यारे सत्संग जी मैंने पहला काल संग नाता जान, अगर तुम ऐसा नहीं करते ये दांत नहीं पाते थे, फिर काल के संग नाता था अरबों जन्म मेरा भी था, अब टूटा इस जन्म में टूट गया, अब जुड़ गया सतपुरुष से, बस जुड़ ही नहीं गया उनमें एक हो गया, एक ही एक रहता है दो नहीं होते, द्वैत कहीं नहीं, पर तुमने अपने आप को अलादा समझ लिया, जब उससे जुड़ जाओगे एक हो जाओगे, मैं एक हूं, मैं इधर से भी जिनको मैंने दीक्षा दी वो भी मेरे साथ जुड़े और मैं आगे से सतपुरुष से जुड़, तो हम सब एक ही सतपुरुष के ही अंग है, उसी की ज्योत का अंग हो गए, तो फिर ज्योत का हिस्सा कहां रहा, ज्योत का कोई, जैसे आपने दिया जलाया तो किस हिस्से को पकड़ोगे दिए का, सारी ज्योति उसकी ओर जहां तक फैली है वो ज्योत का प्रभाव वहां तक, जितनी जगह तुमने दी उतनी जगह वो रोशनी फैल गई, इसी तरह से तुम सतपुरुष से जुड़ जाओ तुम्हारी ज्योति इन तीन लोगों में फैली रहेगी, यहां पर काम करो वहां पर दर्श करो, यहां पर काम करो वहां पर दर्श करो, एक हो जाओ, और दो कभी होते नहीं एक ही होता, उसमें गए तो एक हो, एक ही है जिसमें जा समाना है, यहां पर तुम एक किससे हुए हो, काल भगवत से, तुम अपना आप भूल गए और उसकी मजदूरी कर रहे हो, किसी बादशाह का बेटा बिछड़ गया बचपन से चोर उठा के ले गए, चोर मर गया, अब चोर की बीवी उसे क्या करे, उसे मजदूर बना दे, वो बादशाह का बेटा मजदूरी करता कई साल गुजारे, उसके गले पर बादशाह ने एक निशान बनवाया था, देखो नेचर काम अपना करते, उसके गले के कंठ पर एक निशान बनवाया था बादशाह ने किसी सर्जन के द्वारा के एक निशान बना दो, मेरे लाकट का निशान इस पे यहां बना दो इसको पर, बस उस लाकट के निशान से बादशाह ने उसे पहचान लिया ये मेरा बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारी ज्योत है तुम्हें सतपुरुष पहचान लेते हैं ये मेरा ही अंश है, तुम्हारे पास भी वो लाकट है आत्मा, तुम आत्मा ही तुम खुद ही लाकट हो, वो तुम्हें पहचान ले, वो तुम्हें पल पल पहचानता है, पर तुम उसे पहचान अपने देते, इसलिए कहा एक नाथ से लाल नाथ बनते हैं, मुझे जितने भी साधक मिले हैं सारे के सारे जो है वो लाल नाथ है,
बड़े प्यार जागे, जितने हैं जागे, किसी को आपने सोया हुआ नहीं पाया। तो यही मैं धन्यवाद करता हूं सतपुरुष का कि कम से कम ये मेरी संगत जागी तो है। आइए मैं दूसरे अंतरे पर चलता हूँ आपको। देखो पहले अंतरे में कितना कुछ देना पड़ता है, नहीं तो अंतरा क्या, सतगुरु की महिमा ही न जाने तो क्या, अपनी जान। तुम सतगुरु को भी छोड़ो मत, मार दो कुछ ना दो, अपने आप को तो दो। निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन, मन से अपने आप को अलग किया तो हो गया भजन, माया का खेल जान लो तो हो गया भजन, बात बन जाए। फिर क्या अंगूठे के बराबर, क्या हाथी के बराबर, क्या सुई की नोक के, जो है उसे वैसे रहने दो, तुम जाग जाओ। और अपना सरबल परम महाज्योत के साथ जोड़, सतपुरुष परम ज्योत अमर ज्योत और तुम भी अमर, अमर से अमर का नाता ही सचता, और तो कुछ सचता नहीं, तुम क्यों मन के मुताबक चल। तजो तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के ये सारा परम, ये जब मैं इंद्रियों पर आऊंगा, जितना जितना तुम ये पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, चार अंतःकरण की इंद्रियां, जितना तुम इनका भार फैलाव करोगे उतना अपने से दूर होते जाओगे, जितना इनको सुपोड़ते जाओगे, अंदर मुखी हो जाओगे, इनकी नहीं सुनोगे, फिर तुम महाचेतन हो जाओ, फिर उस नील नदी की बन के मुताबिक बन जाओ, क्योंकि जो लाखों मील जमीन के अंदर चलती, फिर सागर में जा समाती, वो भी तो है, तुम अंदर मुखी हो जाओ। अंदर मुखी होने से फिर तुम, तुम्हारी बॉडी भी ज्योत है वो, और तुम्हारे अंदर भी ज्योत, जो तुम्हारी अंदर की ज्योत है वो शुद्ध है, और तुम्हारी बॉडी की ज्योत भी जाती वो जलेगी और खत्म हो जाएगी, इसलिए दू दू करके जल जाती है, फिर कुछ बचा संग नहीं पाती, आत्म ने तन को पा जाती, वही बसेरा बनाती है, फिर बड़ा होना शुरू है होती, फिर काल के चक्कर में पड़ जाती, निकलो न काल के चक्कर से बाहर, मैं तुम्हें निकालने के लिए आया, मेरा कोई और काम नहीं, तुम बाहर आ जाओ, इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। इसलिए मैं चंद ही सत्संग दूंगा, उसके बाद बंद कर, मैं रेपिटेशन नहीं करूंगा, मैं अब कुछ संतों के बारे में बोलूंगा, जैसे एकनाथ और रामनाथ जी का बोला, इसी तरह से मैं जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी जानकारी आपको दूंगा, रविदास जी पे भी दूंगा, कबीर साहब का तो बोला उन्हीं का मैं समझो दास हूं, उनको कोई समझ ही नहीं पाया, बस ये अचंबा है, जिसने कबीर साहब को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। गोरखनाथ जी, मरो रे योगी मरो, मरण लागे मीठा, ऐसी मरनी को मरो जिस गोरख मरी बीठा। गोरख जी कहते हैं मैंने जीवित मर के निरंकार को पाया, और मैं कह रहा हूं मैंने जीवित मर के सतपुरुष को पाया, उन्होंने जीवित रह के काल भगवान को पाया, ओशो ने इसी काल भगवान को पाया, बुद्ध ने इसी काल भगवान को पाया, महावीर ने इसी काल भगवान को पाया, इस गधे भाई ने, रविदास ने, मीरा ने, कबीर साहब ने सतपुरुष को पाया, अपने सच्चे पिता को पाया। तुम मन नहीं, तुम आत्म रूप हो, आत्म निज घर से निज धाम से आई, उसी की ज्योत अमर है भाई,
ना ये टूटे ना मर लगे ना जले ना जाए, धन सो मन सो नानका, इसको अग्नि भी नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकती, शस्त्र नहीं काट सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विजाती है वो जल जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। विषम अग्नि में सूरज की रोशनी इतनी तीव्र होगी सोना भी पिघल के वेपोरेट हो जाए। तुम्हारी हवा में भी वो सब एलिमेंट है, तभी तो पत्ते ले लेते हैं। दिन को उनका ऑक्सीजन साइकिल होता है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होता है, लेकिन पीपल का रात दिन एक ही साइकिल होता है। और अपनी खुराक बनाते, अपनी खुराक बना के तुम्हें फल फूल देते खुद। वो सब कुछ एटमॉस्फेयर का ही अपने पास रखते हैं, और धरती से जो पदार्थ की ऊर्जा है वो ऊर्जा लेते, बाहर से भी ऊर्जा लेते हैं, धरती की ऊर्जा नहीं लेते, जो तुम खाद वगैरह डालते हो उसकी ऊर्जा लेते, माटी की ऊर्जा लेते, खाद की ऊर्जा लेते। इसलिए मैंने उस ऊर्जा के ऊपर भी लिखे हैं, दोए पर तन नहीं मिलती। अब एक आधा दोया और बोल देता हूं, जो ना पाए सतपुरुष सो प्यार, सो आपको दे दिया है। जो इस दास ने पाया सतपुरुष सो प्यारो, सो आपको दे दिया रे। अब सत्संग देकर प्यारो, सत प्रेम आनंद अंदर जगाना जाना। दूसरा दोया है, मैंने अपने विषय में लिखा है, जो इस दास ने पाया सतपुरुष को प्यारा, जो मैंने सतपुरुष से जो कुछ पाया वो आपको दे रहा, वो दात भी दे रहा हूं, जो कुछ वो बलवाते हैं वो भी तुम्हें दे रहा हूं, आपके प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें दे रहा हूं। जो इस दास ने पाया सतपुरुष को प्यारो, सार शब्द भी पाया सूर्य शब्द दोनों आपको देता हूं, सो आपको दे दिया जान रे। अब सत्संग देकर प्यारो, सत प्रेम आनंद अंदर जगाना जान। मैं तुम्हें सत प्रेम आनंद जगाने के लिए सत्संग दे रहा, जब ये जग जाए तो आत्मा जग। तुम्हारी आत्मा है क्या? सत प्रेम और आनंद ही तो है, मन नहीं है सत प्रेम और आनंद। मन जो है तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न करता है, जो विचारती है, विचारों को तजना है। तजो भरम भजो पार भरम नाने, ये भरम है। मन के से क्या लेना देना विचारों से? तुम अपनी सुरती चेतन करो, सुरती से काम लो, सारे काम कर सकते। तुम मन के विषय में अपने आप को हटाओ। जब सत्संग देकर प्यारो, सत प्रेम अनंत अंदर जगाना जान रे। सतगुरु भक्ति वैनाम शब्द सुन प्यार, जब तक ये वैनाम शब्द जिसमें सार और सूरत शब्द है, इसके बिना कोई भक्ति नहीं। बाकी सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। पांच शब्द वेदों से आए, उन्होंने हर जीव को लिया बरमाए। अब जगने की कोई राह नहीं, पड़ा काल की छाया, काल की छाया में पड़े नहीं जागना चाहिए। सतगुरु भक्ति वे नाम शब्द से प्यारो, सत लोक संग ले जाना जान। सत लोक संग ले जाना जान, मैं खुद लेके जाता साधु, और कोई बड़ी उन्नति करे सतपुरुष के साथ भी जा सकता, वो उनकी मर्जी। वो आए वो ले जाए, वो ना आए मुझे कहीं मैं ले जाऊं, बात एक। इसलिए सतगुरु भक्ति वह नाम शब्द से प्यारो, सतलोक संग ले जाना जान रे। सतगुरु आज्ञा में रहना प्यारो, सच्ची भक्ति तू जा। समर्पण, समर्पण के बिना कोई रास्ता नहीं। लाल नाथ ने किया क्या? एक नाथ के आगे पूरा समर्पण कर दिया उसने भी और उसकी पत्नी ने भी, दोनों के आंसू बह रहे हैं और एक नाथ के भी आंसू बह रहे। आंसुओं से आंसुओं में सब कुछ पा लिया जान रहे।
तुम्हें एक उदाहरण समझ आ जाए तो बहुत कुछ पा जाते हो, और कुछ सत्संग की जरूरत नहीं रहती। अगर एक ये सत्संग ही समझ जाओ और करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसमें मैं सब कुछ दे जा रहा हूँ, ये दो सत्संग जो आपको दे रहा हूँ इसमें प्यारी सत्संग जी सब कुछ आपको दे दिया, कुछ नहीं मूल चूल मैंने आज आपको दे दिया सत्संग का पूरा निचोड़, आगे तुम्हारी मर्जी। सतगुरु आज्ञा में रहना प्यारो, सच्ची भक्ति तो जान, बस यही भक्ति और कोई भक्ति। समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए, के कभी समर्पण किए साई में मिल, समर्पण से उसमें मिल। पर समर्पण होता नहीं, मैं आ जाती वो बरमा देती, मैं इतना कुछ जानने वाला, बस बाहर का ज्ञान आया तो बस खत्म। उस ज्ञान को अंदर ना डाला, अंदर की ऊर्जा में ना जलाया, उसको जला देना, अंदर की ऊर्जा में जला देना। अगर पार होना चाहते हो तो जला दो, नहीं पार होना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। आज मैं यहां तक ही रखता हूं। चलो तीन दो ए, तीन लोग का राजा, हाँ तीन मैंने दो ही दो, हाँ तीन दो ही मैंने आपको दे दिए, कबीर साहब का दिया तो आपने दिए, तो यहाँ मैं सत्संग क्लोज करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, सतगुरु सतनाम सत साहेब जी, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।